Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी 115 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में जहां डीजीपी की नौकरी छोड़कर बीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे का नाम गायब है, तो वहीं उनके ही जूनियर रहे बिहार के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का नाम शामिल है। उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे के साथ साथ बिहार के पूर्व डीजी रहे आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार ने भी जदयू की सदस्यता ली थी। 31 जुलाई को सेवा से रिटायर हुए सुनील कुमार ने पटना में नीतीश कुमार की पार्टी का हाथ थामा था। अब उनको पार्टी ने गोपालगंज की भोरे सीट यानी कि जो सुरक्षित सीट है वहां से टिकट दिया गया है। सुनील कुमार की पहचान पटना के एसएसपी समेत कई जोन के डीआईजी और आईजी को लेकर रही है। नीतीश कुमार के करीबी रहे इस पूर्व आईपीएस ने बिहार में आईजी से लेकर एडीजी यानी कि पुलिस मुख्यालय और डीजी होमगार्ड डीजी अग्निशमन समेत कई पदों पर रहे हैं। बिहार के जिस सीट से सुनील कुमार को टिकट मिला है उस पर उनसे पहले उनके बड़े भाई अनिल कुमार भी विधायक रह चुके हैं। अनिल कुमार एक बार जेडीयू और दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन सीटिंग विधायक अनिल की ये सीट महागठबंधन में इस बार लेफ्ट के खाते में चली गई है। ऐसे में सुनील कुमार की राह आसान नहीं मानी जा रही है। दलित बिरादरी से आने वाले सुनील 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार ने पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 29 अगस्त को जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। दूसरी ओर 1987 बैच के ही आईपीएस अफसर रहे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार की राजनीति में 11 साल पहले यानी 2009 में भी उतरने की कोशिश की थी। साल 2009 में आईजी रहते हुए उन्होंने बीआरएस लिया था और उस साल के लोकसभा चुनाव भी वो बक्सर से लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। बाद में उन्हें बीआरएस वापस ले लिया था। इस बार भी इस पूर्वाधिकारी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसे में उनको माननीय बनने के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.